पर श्री राधा कृष्ण की जय। सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा हुए इमोशन बेटी आध्या को लेकर, वहीं अनुज की दिखी अनुपमा से नाराजगी भी। चली जाओ, क्यों नहीं जाती? आध्या की जान हम दोनों ने ली है हमारी वजह से। चली जाओ, हमारी बेटी चली गई। जी हाँ, एक तरफ सीरियल अनुपमा में आशा भवन में अनुपमा और अनुज सभी के साथ आरती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ इनकम टैक्स वाले आते हैं और घर खाली करने के लिए कहते हैं। ओके। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनुज ने आध्या की पेंटिंग बनाई, जिसे देखकर अनुपमा और अनुज दोनों इमोशन हो जाते हैं। जी भी नहीं पा रहा। यही नहीं, अनुज का गुस्सा भी दिखता है अनुपमा पर जब वह उसे चले जाने के लिए कहता है, और फिर अनुज कहता है कि आध्या हमारे वजह से दूर चली गई। चली जाओ, क्यों नहीं जाती? हमारी बेटी चली गई। इसी के साथ ही सीरियल में आया है लीक, जिसके बाद सीरियल में कई सारे किरदार की एंट्री हुई है। उनमें से एक है मीनू, जिसे सागर रास्ते में मिलकर उसकी चीजें वापस देते हैं। यह देखकर मीनू खुश होती है। टेली टॉक से बात करते हुए मीनू यानी अभिनेत्री सोनल खिलवानी ने अपने इस किरदार के बारे में खुलकर बात की। सो माई कैरेक्टर नेम इज मीनू। अभी शो ने, जैसा कि देख सकते हैं, 6 महीने का लीप लिया है और बहुत सारी न्यू एंट्रीज हुई है शो में, तो उसमें से एक मेरी है मीनू की। मीनू जो है वो बहुत आज की लड़की है, बाहर से पढ़कर आई है, बट शी इज़ वेरी देसी फ्रॉम इनसाइड। दैट वैल्यूज़, एजुकेशन और जो पेरेंट्स सीख देते हैं वो सब अभी भी इसके अंदर है। वेरी ग्राउंडेड पर्सन शी इज़, सबको जोड़ के रखने वाली, एंड वेरी न्यूट्रल, नॉट बायस्ड विथ एनीबडी। तो माय कैरेक्टर इज सच कि सबके लिए खड़े होना, सही के लिए सही, गलत है तो गलत, नो मैटर सामने कौन है। तो समथिंग जो आज के टाइम में होता है हर एक इंसान में, जो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते, तो हर एक इंसान अपने लिए खड़ा होना चाहते। शी इज समथिंग लाइक दैट। अभी मैं किंजल भाभी के साथ बाहर जा रही हूँ सीन में, जैसा कि देख सकते हैं, एंड जो सागर है वो आता है, और मेरा जो, जैसा कि दिखाया गया है कि मैं डॉक्टर हूँ शो में, और डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आई हूँ, इंटर्नशिप करने जा रही हूँ, तो मेरा जो बहुत फेवरेट स्टेथोस्कोप है वो खो जाता है, तो वो देने आता है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन और नोकझोंक दिखा रहे। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।